वेलकम टू डेली फरीस ब्लॉग। मैं 2 दिन से ब्लॉग नहीं डाला क्योंकि तबीयत बहुत खराब है, पूरी बुखार, बदन इतना गर्म लेकिन इतनी सर्दी, इतनी बुखार, रात दिन मेरे को नींद नहीं थी, खाना नहीं था, तो इसीलिए ब्लॉग नहीं बनाया, डाला भी नहीं। मेरी ड्यूटी भी नहीं लगी थी, बोला था मैं आराम नहीं बोल के, तो मेरी ड्यूटी नहीं लगी 2 दिन से, तो आज मेरी ड्यूटी लगने वाली है शायद, क्योंकि मैं बाहर टहल रहा था तो देख लिए, तो लगेगी ड्यूटी, जाएंगे तो दिखाएंगे, तो देखते रहिए। आज आज कुछ ऐसे जगह जाने वाला हूँ कि नया प्लेस है, चलो देखेंगे, जाएंगे मिलेंगे। तो मैं आया हूँ मलिक फात रोड में, वो क्या बोलते हैं उसको, पूरे वीआईपी लोग जहाँ रहते हैं, रिया सीजन के जो चलाने वाले लोग, वहाँ आया हूँ मैं। मलिक फात और ओलैया के रोड के बीच में हूँ मैं अभी, जहाँ पे इसके पीछे आते थे हॉस्पिटल को, वहीं पे उसको उधर छोड़ के आया हूँ मैं। मेरे को रास्ता भूल गया, मैं पता नहीं किधर जा रहा हूँ, बस जा रहा हूँ। ये आ गया ओलैया, ये भैया पता नहीं कितने नंबर पड़ता है ये, उसको इधर पीछे छोड़ के आया हूँ मैं, पता नहीं उसको भी अभी अभी दोबारा फोन आया था मुझे, बोलती है कि गलत जगह में आ गए। ये जो दिख रहा है ना चीप वाला बिल्डिंग, उसी बिल्डिंग के नीचे छोड़ के आया हूँ, बिल्कुल उसी बिल्डिंग में, लेकिन उसको वहाँ पे नहीं जाना है, दूसरी जगह जाना है, तो अभी मुझे रास्ता ढूंढना पड़ेगा जाने के लिए। ये जो छोटा बुर्ज खलीफा जो देख रहे हो आप, इसी में छोड़ के आया हूँ उसको। सिग्नल है, सिग्नल है, बोल के इतना जाम लगा हुआ है ना, चलिए ये रास्ते भी बंद कर दिए, बैरिकेड लगा दिए, जहाँ पे सलमान खान सब आए थे ना, वेटिंग थे, इसी होटल में थे उधर पीछे। अभी जाऊंगा उधर जाके दिखाऊंगा भाई, उधर तो पूरे वीआईपी काले काले गाड़ियां रुके हुए, मर्सिडीज, रोल्स रॉयल, फरारी, सब रुके हुए हैं। वो गई है, बोल रही है कि ये मॉल के अंदर है, लेकिन मैं उसको छोड़ा था उधर पीछे, यहाँ पे भी पार्किंग नहीं है अभी, ये मलिक फात के बाजू में है, लेकिन कौन सा एरिया पड़ता वो मुझे नहीं पता, लेकिन पहले भी आया था मैं इधर। पार्किंग मिल गया मेरे को, उतरेंगे नीचे, जाएंगे उस साइड में। अभी उधर जाना है, अभी ये बिल्डिंग के ऊपर जो है ना, इतना ठीका है भाई, इतना ठीका है ना, ये कोई नहीं, छोटा बुर्ज खलीफा है, यहाँ पे पूरे वीआईपी गाड़ियां रुकी हुई है। आ रहा हूँ अभी, ऊपर ऊपर चढ़ाव है। ये देखो गिर गया मैं उधर, पूरा खून निकल रहा है। ये जो दिख रहे हैं ना, ये पानी के वो झरने के हैं, लेकिन पानी बंद हो है, पानी नहीं आ रहा है, शायद रात में आता होगा पानी। ये देखो गोलियां छोड़ा, गोलियां मारने वाली गाड़ी, इसी मॉल में छोड़ के आया था उसको। गाड़ियां देखो रियाज सीजन के जाने वाले हैं, इधर यही होटल में रुका था सलमान खान। ऊपर देख, पूरे वीआईपी कारें हैं इधर, क्या हरिया है। ये देखो ऐसा लग रहा है बिल्डिंग मेरे ऊपर गिरने वाली है, इतनी ठीकी है ना ऊपर, बहुत ठीकी है, बहुत अच्छी हवा आ रही है, बहुत खतरनाक गाड़ियां आई है। देखो इसको क्या बोलते हैं, लंबरगिनी, सामने से ऐसा लग रहा है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, ऊपर पूरा छत है ये, लेकिन दूर से बहुत मजा लगता है देखने में। नीचे मॉल है यार, गाड़ियां रुकी हुई है, यहाँ पे ट्रैफिक जाम में एम्बुलेंस पूरा कवर करते हुए निकल रही है। सोचो अगर उसके ऊपर जाना है, वो बीच में उसके तीके में, ऐसे भाई चिड़िया भी नहीं बैठ सकती, हम क्या बैठेंगे उधर। पता नहीं यहाँ से कितने बजे निकलती है, बीमार इंसान को लेके घूम रही है ये कल से। ड्यूटी से आ गया मैं, मगरिब की नमाज हो गई,
तो अब जा रहा हूँ रियाद पार्क को कुछ सामान वापस करवाने के लिए, फिर जा रहा हूँ साको माल को उधर भी सामान कुछ ले आने के लिए। तो चलते हैं अभी। मैं अभी तेल ख़त्म हुआ है, 10 किलोमीटर बचा है, पूरा डेंजर पो आ गए। तो अभी पेट्रोल पंप इधर है, पेट्रोल डला के फिर आगे बढ़ेंगे। पेट्रोल डलाओ तो भाई टेंशन नहीं रहता है, टैंक फुल करा देते हैं ना, टेंशन नहीं रहता है, करवा दो। ये देखो 90-95 का रहता है ना, मैं 91 का डलाता हूँ, 95 का नहीं डलाता। पता है 91-95 में क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, 95 का जो है वो स्ट्रांग है और उसको पैसा भी ज़्यादा है, और मतलब वो स्पीड अच्छा देता है, वो बड़े गाड़ियों के लिए स्पीड के लिए वो कुछ ऐसा कुछ है, वो मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। बस 91 डला दिया हम कम पैसे का, उसमें वो भी पेट्रोल ही, जो भी पेट्रोल ही, उसमें इसमें पता नहीं क्या फ़र्क है, आई डोंट नो, लेकिन बस पैसा ज़्यादा है, कुछ तो फ़र्क होगा उसमें। तो टैंक फुल करके अभी 150, 203, 250, 302, 402, 507 हो गया, अभी इतने का हो गया, 137 रियल, 62 लीटर अभी पेट्रोल हो गया। अभी चलते हैं पहला साको में, साको मॉल में जाके एक वो आयरन की पेटी थी इस्त्री करने वाली, खराब हो गई थी, उसका गारंटी, अभी गारंटी था तो वो दे के आया था, एक महीना हो गया, वो अभी बन के, पता नहीं अभी रिपेयर बन के अभी आ गई है, फोन आया था अभी आ गई बोल के, तो अभी जाके उसको ला रहा हूँ, उसका बिल मेरे पास है, तो पहला उधर चल के लेके फिर जाते हैं रियाद पार्क में, रियाद पार्क में जाके सामान वापस कर, कपड़ा वापस करना है। फिर वो पीछे है साको, मॉल के अंदर गया था लेकिन काम इधर फेल हो गया, तो बोल रहा है कि 5 नंबर एग्जिट में उधर वो साको से लेना है, यहाँ पे नहीं मिल रहा है, लेकिन दिया तो इधर था। ये सेम जो मॉल होते हैं ना, हर जगह होते हैं रियाद में, सऊदी में, लेकिन हम कहीं पे भी वापस कर सकते, कहीं पे भी चेंज कर सकते, कुछ भी कर सकते, लेकिन सेम मॉल होना चाहिए, उसका बिल होना चाहिए। तो इधर दे के गए थे एक महीने पीछे, तो बोल रहा है कि अभी इधर नहीं, एग्जिट 5 नंबर में जाके ले ले बोल रहा है। अभी तो वहाँ जाने का कैंसिल हो गया क्योंकि बहुत जाम लगा हुआ है रोड पे, अभी जा रहा हूँ रियाद पार्क। जो रोड है ना भाई, रोड बंद करके ना परेशान कर दिए लोग, देखो इधर से जाना या इधर से जाना समझ में नहीं आता है, इसी में 2 रोड कर दिए, एक रोड में इतनी सी पतली गली बना दी है, पता नहीं कब ओपन करते है रोड। ओलैया तो 3 साल बाद में ओपन कर दिए, अब ये कितने साल बाद ओपन करते पता नहीं। अभी ऐसा सीधा जाओ तो रियाद पार्क जाते हैं हम, लेकिन आगे दवार बंद है, दवार यानी वो सर्कल, राउंड सर्कल, इसीलिए बंद करे कि रियाद सीजन चल रहा है ना, इसीलिए बंद करे। अभी ये देखो शादी हॉल है, फंक्शन हॉल, इतने बड़े बड़े। इधर आया तमीमी मॉल, अलबैक ब्रोस्टेड चिकन, अबे तमीमी अलबैक ब्रोस्टेड चिकन, इतनी बास मारता भाई गाड़ी मेरे को, तो बहुत खतरनाक बास मारता है, बास कोई पेड़ भर लेते बस। मैं VIP गाड़ियां दिखा नहीं रहा था तुमको, सब किधर जाने के थे वो, इधर जाने वाले है वो, पूरे रिया सीजन में देखो यहाँ पे बंद कर दिए, देखो ये रिया सीजन है, बंद करके ना परेशान कर दिए। अभी देखो मेरे को वहां से यूटर्न मार के आना है, सिग्नल से, सिग्नल में यूटर्न मारना ममनू है या पता नहीं क्या है, लेकिन मार के आना है जाके। वो तो सर्कल बंद कर दिए ना, तो इसीलिए दिक्कत होता है। ये तुर्की है, ये तुर्की, ये रोड का नाम है तुर्की। अभी इस सिग्नल से राइट ले लिया, मैं राइट लेके अभी जा रहा हूँ सीधा। यहाँ पे ना, यहाँ पे जो राइट में जो घर दिख रहा है ना, ये कंपाउंड है, ये यहाँ के सुल्तान के चाचा का घर है, ये बहुत बड़ा, मतलब इतनी सिक्योरिटी है ना यहाँ पे,
ये तो बहुत बड़ा घर है भाई, अंदर है एकदम घर। लेकिन ये कुछ इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन बस हाँ ये पता है कि उसके चाचा का घर है ये। जिसके चाचा का घर है, मोहम्मद बिन सलमान के चाचा का घर है ये घर भाई। इतनी पुलिस है यहाँ पे, इतना वो है ना। चलो जो भी है भाई, दिखा तो रहा हूँ बस। ये देखो गेट है, मेन गेट। ऐसे गेट बहुत है, लेकिन ऑटोमेटिक गन लगे हुए हैं इस कंपाउंड में, ऑटोमेटिक गन। मैं जा रहा हूँ अभी रॉन्ग रूट में, पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा है। रॉन्ग रूट में गया मैं, कहीं कैमरा तो नहीं लगा हुआ है क्या? चलो अभी ये सीधा जाके लास्ट में राइट लेफ्ट नहीं राइट मारो तो सीधा जाते रियाद पार्क में, रियाद पार्क मॉल में। अभी दिख रहा है पीछे सामने किंगम टावर दिख रहा है। आ गया मैं रियाद पार्क की रोड में, अभी सीधा जाके यू टर्न मार के फिर राइट मारो, आ गया रियाद पार्क। ये है रियाद पार्क, दूर से इस तरीके का दिखता है ये, मतलब ये पूरा ऑल राउंड है। उस साइड भी है, इस साइड भी है। इसमें गेट पता नहीं कितने हैं, लेकिन मैं तीन चार देखा हूँ गेट इसके। मैं ना कल भी आया था इधर रात में, लेकिन अंदर एक छोटा सा दुकान खोला हुआ है, मतलब बास्केटबॉल का, बास्केटबॉल उसमें बॉल डालना है। बॉल डालोगे तो मतलब चांस वांस कुछ नहीं है, कितने भी बार आप, बट एक बार बॉल डालोगे तो खत्म, खलास। आपका नंबर नाम लेता है वो, लेके फिर आपको टिकट देता है, एक शो की टिकट। अभी मेरे को टिकट मिली है, मैं डाल दिया बॉल, टिकट मिली है, लेकिन जाऊं तो जाऊं कैसे जाऊं मैं, कहाँ क्या उदरैया में जो शो हो रहा है ना, जो कार का मतलब हर चीज देख सकते, लेकिन उसकी टिकट मिली है मेरे को फ्री। अब कैसे जाए बताओ, हमारे को तो छोड़ेंगे नहीं। अभी अंदर चल के दिखाता हूँ मैं, बास्केटबॉल का दिखाता हूँ, क्योंकि वो 28 तारीख और 29 तारीख तक है, उसके बाद में मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें टाइमिंग दिया हुआ है 28 और 29 का। पार्किंग लगा के अंदर चलते हैं। जर्किन वर्किन जैकेट वर्किन पहन लिया, क्योंकि ठंडी है, मेरे को भी सर्दी हो गई, बुखार हो गई, तो गाड़ी में रख के रहता हूँ मैं सब। अभी चलेंगे अंदर, टोपा वोपा लगा लिया। अभी ये सब कौन पहनता है भाई, ये इतने बड़े बड़े, ये सब लेडीज का मॉल दुकान है। ये देखो ये घोड़े चढ़ने वाले नहीं होते हैं क्या? अभी हो गया, चल रहा हूँ, चेंज करवा लिया मैं, चेंज नहीं वापस करना तो वापस कर दिया। 350 मतलब 400 रुपए के करीब था वो जैकेट का रेट, मैं देखा वो ठंडी का जैसे सूटर नहीं होता है उसका है, 400 रुपए पकड़ो इंडिया के, ये सऊदी के, इंडिया के तकरीबन 8,000 रुपए। क्या था भाई उसमें, ऐसा मुझे तो कुछ नहीं दिखा, तो जितना भी वो वीडियो बनाया हूँ बूट का, उसका रेट सुनोगे तो क्या बोलोगे, अभी 20,000 रुपये वो इंडिया के। और बास्केटबॉल का मैं दिखा नहीं पाया, क्योंकि वहाँ बहुत लेडीज़ थी, तो इसीलिए मोबाइल नहीं निकाल पाया। करना पड़ता है भाई मोबाइल निकालने के लिए, तो इसीलिए मोबाइल नहीं निकाला। तो अभी चल रहा हूँ घर, घर चल के मिलेंगे। रूम पे आते ही सो गया मैं, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है भाई, क्या बताऊँ। अभी बहुत सर्दी हो रही है, बहुत ठंडी लग रही है, गर्मी भी ठंडी लग रही है, मतलब हाथ पैर पूरा वजन, सिर वजन। यानी अभी रात में फिर ड्यूटी कितनी लगती, क्या लगती। अभी तो 7:30 बज रहा है, लेकिन इनके बाद में मिलेंगे, अभी खाना भी बनाना है मुझे, इसीलिए ब्लॉग नहीं डाल रहा था मैं 2 दिन से। अभी डालूँगा, अभी पता नहीं कब पोस्ट करना है इसको। तो दोबारा जा रहा हूँ, लोकेशन आ गया है, चिकन ब्रूस्टेड लाने के लिए फैजल रोड में। मैं ना वहाँ का वीडियो नहीं बनाऊँगा, क्योंकि 3-4 ब्लॉग तो वहीं के पड़े हुए हैं ब्रोस्टेड के, चिकन के। लाने के बाद दिखाऊंगा कि कैसा रहता है बोल के, क्योंकि मेरे को भी दावत मिलती है ना, तो इसीलिए। और ये है चिकन ब्रोस्टेड का दुकान, इसी दुकान में अभी जाके चिकन और रोटी लेना है, फिर घर चलते हैं।
यहाँ पे है जिम, एक्सरसाइज कर रहे लौंडे, है ब्रूस्टेड और ये आई भजी, घर पे बनाई होगी, और ये रोटी, भाई चिकन नहीं खाता है तो दाल खा रहा है, दाल बनाया है, ये लहसुन की चटनी है, लहसुन की चटनी, और ये है टमाटो पेस्ट। ये है खाना खाएंगे अभी, भजी खा बे। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करेंगे, तो आई होप आज का ब्लॉग अच्छा लगा, तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। बहुत दिनों बाद आया हूँ, मतलब 2-3 दिन बाद में, तो चलता हूँ, कल मिलता हूँ, तो मैं याद रखिए, अल्लाह हाफिज़, सलाम वालेकुम, ओके बाय, गुड नाइट।